सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो आज के बिजनेस स्टडीज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्लानिंग, और यहीं से शुरू होंगे आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। याद करो, चैप्टर नंबर 1 में पढ़े तो थे कि देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो उसी में से सबसे पहला फंक्शन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और पूरी डिटेल में हम इस फंक्शन को जानने वाले हैं। सो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब करो वो अप्रैल का दिन जिस दिन मैंने अचानक से आकर तुम्हें एक अनाउंसमेंट दी कि अब से हम करेंगे अपना ऑनलाइन चीता बैच स्टार्ट और करेंगे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी, वो भी बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन। तो यहाँ पर जब मैं आपके सामने इस अनाउंसमेंट को लेकर आई तो तुम्हें पता है इसके पीछे कितनी बड़ी मेरी प्लानिंग रही होगी, मैंने कितना सोच विचार किया होगा। भाई जब मैंने तुम्हारे सामने आकर ये अनाउंसमेंट करी तो उससे पहले बहुत दिनों तक मुझे उसके ऊपर वर्क करना पड़ा, सोचना पड़ा कि क्या करना होगा, कैसे होगा। और उसके पीछे मेरा एक मकसद था, क्या कि मुझे अपने प्यारे प्यारे बच्चों को जो नहीं जा पा रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग्स के लिए, या किसी तरीके से जो नहीं निकल पा रहे हैं अपने घरों से बाहर पढ़ने के लिए, कुछ भी रीजन हो सकता है उसके पीछे, तो मैं अपनी नॉलेज अपने उन बच्चों तक शेयर कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों का प्यार बटोर सकूं। तो ऐसे में अपने इसी ऑब्जेक्टिव को साथ लेकर मैं लेकर आई आप लोगों के लिए ऑनलाइन चीता बैच। तो यहां पर मैंने जो काम किया, क्या आपको नहीं लगता कि ये भी एक प्लानिंग का ही पार्ट था? बच्चे बिल्कुल यही प्लानिंग का पार्ट था, बट क्या मैं प्लानिंग पीछे के टाइम के लिए कर रही थी? नहीं, मैं प्लानिंग कर रही थी आगे आने वाले समय के लिए कि मुझे मेरे बच्चों को क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में दिलवाने हैं 100 out of 100। तो उसके लिए मुझे आज से ही प्लान करना था। सो बच्चे, प्लानिंग होती है थिंकिंग इन एडवांस। पहली बात तो ये कि प्लानिंग हमेशा एक सोच विचार का काम है, बट ये सोच विचार होता है हमेशा कब के लिए? फ्यूचर के लिए। अरे तुम लोगों ने धूम 1 धूम 2 ये सब मूवीज में तो देखी है ना, तो तुमने वहां देखा नहीं है कि जब उन लोगों को वो ट्रेजर चाहिए होता है तो उसके लिए भी तो वो कितनी प्लानिंग करते हैं। सो बच्चे, प्लानिंग हर एक चीज में इन्वॉल्व है और प्लानिंग करने के पीछे हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो यही से मिलती है हमें प्लानिंग की डेफिनेशन। देखो जरा, सो प्लानिंग इज डिफाइंड एज सेटिंग ऑब्जेक्ट। तो प्लानिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम सेट करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स। भाई अगर ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं होंगे तो हम प्लान क्यों कर रहे हैं? मुझे चाहिए कि इस समर वेकेशन को मुझे फुल एंजॉय करना है, खूब घूम फिर कर आना है। तो भाई मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि मुझे समर वेकेशन एंजॉय करना है। मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया, अब मैं इसके लिए प्लान करूंगी। तो मुझे इसके लिए प्लानिंग मई में कर लेनी थी ना कि यार मुझे इस जगह पर घूमने जाना है, इस डे पे जाएंगे, इन लोगों के साथ जाएंगे। तो ये प्लानिंग मेरी पहले से होनी चाहिए थी। अब क्योंकि मैंने प्लान ही नहीं किया तो बैठे हैं ना घर में ही। सो प्लानिंग के अंदर हमेशा होते हैं ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। लेकिन देखो, आप जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हो वो एक गिवन टाइम पीरियड के लिए होती है। आज आप क्लास 12th में हो, ठीक है, आज आपकी प्लानिंग है टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, जब आप 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम दे देंगे तो आप अपने फ्यूचर के लिए प्लान करने लग जाएंगे कि अब आगे के 3 साल 4 साल 5 साल आपको क्या करना है। जैसी वो कंप्लीट होगा तो फिर आप आगे की प्लानिंग स्टार्ट करोगे। तो बच्चे, यहाँ पे जो प्लानिंग होती है ना वो हमेशा एक टाइम पीरियड के लिए होती है। ठीक है, फॉर्मुलेटिंग द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव देम। अब भाई हमने ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिए, अब उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कैसे करेंगे? भाई हमने मंजिल तो सोच ली कि हमारी मंजिल क्या है, उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते भी तो सोचने होंगे। भाई तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, अब उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं? उन रास्तों को हम अपने बिजनेस में कहते हैं कोर्सेज ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं? कोर्सेज ऑफ एक्शन। कि अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या रास्ते हैं, हमें अब वो भी फॉर्मुलेट, यानी कि हमें उनके बारे में भी सोचना है। ठीक है, सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। अब आपने यहाँ पर जितने भी कोर्सेज ऑफ एक्शन सोचे होंगे, अब देखो भाई आपकी मंजिल तक जाने के रास्ते तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट आप हर रास्ते पे तो नहीं जा सकते ना। हाँ, आप एक या दो रास्तों को मिला जुला कर एक जगह पर पहुंच सकते हो, लेकिन सारे ही रास्तों से आप जाना चाहो तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें चाहिए द बेस्ट
कोर्स ऑफ एक्शन. तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव अमंग द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शंस अवेलेबल. जितने भी हमारे पास यहाँ पर रास्ते होंगे उसमें से जो भी सही रास्ता होगा हम उसे चुनेंगे ताकि हमने जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की प्लानिंग की है वो हमारी सक्सेसफुल हो जाए. ठीक है. सो इट इज कंसर्न्ड विद बोथ एंड एंड मींस. अब यहाँ पे एंड एंड मींस का मतलब क्या होता है, दैट व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन. एंड यहाँ पर बता रहा है व्हाट इज टू बी डन, एंड मतलब वो डेस्टिनेशन जहां तक आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हो. एंड मींस का मतलब होता है रिसोर्सेस. भाई कैसे करोगे आप वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो पर वहां तक कैसे पहुंचोगे. ठीक है. सो ये हमें बताता है क्या, प्लानिंग. ओके. सो अब यहाँ पे आप एक डायग्राम देखो, ये हमारी प्रेजेंट कंडीशन है, दिस इज वेयर वी आर. आज हम यहाँ पर है, अभी चल रहा है जून, और दिस इज आर फ्यूचर पोजिशन वेयर आई वॉन्ट कि आप यहाँ पर बहुत ही खुशी खुशी खड़े हो अपने बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के साथ, जहां पर आपने अपने मन चाहे नंबर पा लिए हो, आपने पूरे साल जमकर मेहनत करी मेरे साथ और आप यहाँ पर खुशी खुशी खड़े हैं और बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ आप पास हुए हैं, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स और आप खुद प्राउड फील कर रहे हो. ठीक है. सो दिस इज योर फ्यूचर कंडीशन वे वी वॉन्ट टू गो. तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हमें एक रास्ता बनाना है. सो प्लानिंग विल ब्रिज दिस गैप. तो प्लानिंग आपके लिए इस गैप को फिल करेगा, यानी कि हमने जो प्लानिंग कर रखी है ना कि इस दिन ऐसे ऐसे पढ़ाई करेंगे, ये चैप्टर्स कवर अप करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, अजर्शन रीजंस करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट करेंगे टाइम से. तो ये सारी चीजें जो हमने प्लान कर रखी है, जब इन चीजों को फॉलो करेंगे सो वी विल डेफिनेटली अचीव दिस पोजिशन. सो दिस इज प्लानिंग. ठीक है. सो आई होप कि आपको प्लानिंग का मीनिंग तो बहुत अच्छे से समझ आ चुका है. अब मैं आपको लेकर चलती हूँ इसके फीचर्स की तरफ. सो बच्चे अब स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग. सो वी हैव 7 फीचर्स ऑफ प्लानिंग और सारे के सारे फीचर्स आपके लिए केस स्टडी एज वेल एज डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो नंबर 1 फीचर इज प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. Number 2 is planning is the primary function of management. Number 3 is planning is futuristic. Number 4 is planning is pervasive. Number 5 is planning involves decision making. Number 6 is planning is a continuous process. And number 7 is planning is a mental exercise. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वाले फीचर से. प्लानिंग फोकस इज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. अब बच्चे देखो, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तो हम प्लान किस लिए कर रहे हैं. आपने प्लान किया कि आपको क्लास 12 के बाद सीए का एंट्रेंस देना, आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करना है. सो यू हैव एन ऑब्जेक्टिव. तो जब आपके पास एक ऑब्जेक्टिव है तो यू विल प्लान फॉर इट. कि आपने सोच रखा है कि कब से आपको कोचिंग स्टार्ट करनी है, आपके पास सब्जेक्ट्स कितने होंगे, कि क्या क्राइटेरिया है फाउंडेशन का, मतलब क्या पेपर पैटर्न होता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो यू आर प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू दैट ना. तो आपकी जो प्लानिंग है वो चल रही है किसके लिए, आपके कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए. तो प्लानिंग का कोई बेस नहीं है अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है. तो आपने कुछ सोचा ही नहीं अपनी जिंदगी में, तो चले चले जा रहे हो तो प्लान ही क्या करता है. प्लानिंग ही सोचना ना. तो जब आपने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट ही नहीं किया तो आप सोचोगे किस चीज के लिए. तो बस वही चल रहा है हमारे साथ भी कि हम चलते चले जा रहे हैं. अरे भाई दिमाग को खोलो, सोचो, अभी सोचो. जो तुम्हारे फेब मार्च में एग्जाम होने वाले ना बच्चे, उसके लिए आज से ही सोचना है, आज से ही प्रिपरेशन करनी है आपको. सो प्लानिंग ऑलवेज फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. जब प्लान करोगे तो उनको अचीव करने के लिए ही प्लान करोगे. ठीक है. सो प्लानिंग हैज नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. तो अगर हमने प्लान किया कि भाई हमें ना अपने कस्टमर के बेस को 20% से इंक्रीज करना है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के एंड तक हमें 20% से कस्टमर्स को इंक्रीज करना है. सो वी हैव टू प्लान फॉर दिस नाउ. ठीक है. तो हमें भी प्लान करना शुरू करेंगे कि हाईली एडवर्टाइज करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करके थोड़ी सी मार्केट प्राइस को कम करते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज बढ़ाते हैं, स्कीम्स चालू करते हैं. तो आपने यहाँ पर प्लानिंग करना शुरू किया तो अगर आपने ऑब्जेक्टिव को ही अचीव नहीं कर रहे हो तो प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है. तो नाउ नेक्स्ट वन इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. अब देखो मैं तो प्लानिंग को ये कहती हूँ कि वो ना रेल का वो इंजन होता है ना, कि जैसे जैसे इंजन चलते हैं तो पीछे पीछे उसके डब्बे भी चलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से होती है प्लानिंग. भाई जब आप सोचोगे कि आपको क्या करना है तभी तो आप चीजों को ऑर्गेनाइज करोगे, तभी तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज असाइन करोगे लोगों को, तभी आप स्टाफ देखोगे कि भाई कितना स्टाफ चाहिए हमें, फिर उस स्टाफ को डायरेक्शन दोगे, उनके साथ कम्युनिकेट करोगे, देन उसके बाद जब
टारगेट अचीव हो जाएगा तो उसके बाद देखोगे कि हमने क्या किया है, मेजरमेंट करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस का, कंपैरिजन करोगे, डिफरेंसेस फाइंड आउट करोगे। तो भाई जब प्लान होगा तभी तो ये सब चीज सोचोगे। जब तुमने सोचा है कि यार मुझे 80% मार्क्स अभी फिलहाल हाफ ईयरली में स्कोर करने हैं, अब जब तुमने सोचा होगा तभी तो, जब तुम्हारे हाफ ईयरली हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, तभी तो आप उन सब चीजों को देख पाओगे ना। अब जब तुमने सोचा ही नहीं तो भाई तुम करोगे क्या? सो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये पहला फंक्शन है जो बाकियों के लिए बेस बनाता है कि आज हमने प्लान कर लिया है, मैंने आपको दिया ना एक पूरा स्केड्यूल दिया हुआ है हाफ ईयरली तक का कि यार इस तरीके से हम लोग सब कुछ करने वाले हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन इट, हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं ना। तो जब हमने प्लान किया तभी तो हम उन चीजों को ढंग से कर पा रहे हैं। आज मुझे अगर कभी भी सोचना होता है ना कि यार आज मैं क्लास नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगी, चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, फिर मुझे लगता है कि यार अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मिस हो जाएगी क्लास, सारा स्केड्यूल गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं फिर से अपने उस पे रूटीन पे वापस आ जाती हूँ कि नहीं किसी ना किसी तरीके से कुछ भी करके मुझे करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने वो जो प्लानिंग बना ली है ना, उसने मुझे एक बेस दे दिया कि यार किस तरीके से मुझे वहां तक पहुंचना है, ठीक। सो प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग प्रिसीड्स द अदर फंक्शन, ठीक है। तो प्लानिंग के पीछे पीछे ही चलते हैं इसके सारे फंक्शंस। नेक्स्ट, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग पता क्या करता है? प्लानिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। हमने प्लानिंग की ना डेफिनेशन में पढ़ा दैट इट इज थिंकिंग इन एडवांस। भाई हम फ्यूचर के लिए ही सोचते हैं हमेशा, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इट इन्वॉल्व्स पिपिंग इनटू द फ्यूचर। आप फ्यूचर में झांक रहे हो इसकी हेल्प से। भाई आप सोच रहे हो कि आज आप सोच रहे हो कि यार मैं को ना सीए बनना है, और कल को जब मैं सीए बन जाऊंगा या बन जाऊंगी तो मेरा एक सिग्नेचर कितनी वैल्यू का होगा यार, कितनी इंपॉर्टेंस होगी मेरे उस सिग्नेचर की। तो आप उस चीज को आज ही सोच रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप फ्यूचर में झांकने की कोशिश कर रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, उसको प्रिडिक्ट कर रहे हो। फोरकास्टिंग इज द सेंस ऑफ प्लानिंग, यानी कि हम हमेशा जब भी प्लानिंग करते हैं ना तो हमेशा कर रहे होते हैं फोरकास्ट, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में क्या कर रहे हैं, कुछ प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। अब देखो क्या है कि अभी तो ना बड़ी चिलचिलाती हुई गर्मी हो रही है, है ना। अब लेकिन मॉनसून तो आएगा ही। अब जब मॉनसून आएगा तो हम पहले से ही खुद को प्रिपेयर करके रखेंगे कि यार आज बारिश आने वाली है, हमने फोरकास्टिंग देख ली है, हमने वेदर फोरकास्ट देख लिया है, तो हम अपना अम्ब्रेला घर से लेकर ही चलेंगे, बिना अम्ब्रेला के हम बाहर नहीं जाएंगे। जिसको बारिश में भीगना अच्छा लगता है वो तो बिना अम्ब्रेला के ही निकल जाएगा, लेकिन जब हम काम पे जा रहे होते हैं तो फिर हमें अम्ब्रेला लेकर साथ में जाना ही पड़ता है। सो हमने फ्यूचर के बारे में कुछ प्रिडिक्शन देखी, सोची, उसके अकॉर्डिंग हमने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज परवेसिव। अब परवेसिव तो हम सभी जानते हैं, तो हमारा मतलब बहुत पुराना भाई है परवेसिव, इसका मतलब हमें पता है, विच इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, विच इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। भाई प्लानिंग हर जगह है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज में भी प्लानिंग। मम्मी जब घर में ब्रेकफास्ट बनाती है, लंच बनाती है, डिनर बनाती है ना, सो देर इज ऑल्सो अ प्लानिंग। वो सोचती है कि यार अच्छा मेरे बच्चों को आज मुझे क्या खिलाना है। उसके अलावा जब आप ये सोचते हो ना कि आज बाहर जाते हैं डिनर करने के लिए, सो यहाँ पे भी एक प्लानिंग है। आप हर एक छोटी से छोटी चीज में प्लान कर रहे हो। प्लानिंग इज दैट काइंड ऑफ फंक्शन विच इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन में भी जो टॉप लेवल होता है वो प्लान करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो मिडल लेवल होता है वो प्लान करता है डिपार्टमेंट्स के लिए, और जो ऑपरेशनल लेवल होता है वो बनाते हैं डे टू डे प्लान, यानी कि कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। सो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। भाई देखो, हमने ना डेफिनेशन में पढ़ा कि हम यहाँ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, एक हमने अपना डेस्टिनेशन चूज किया, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, सभी रास्तों को तो नहीं चुन सकते, तो हमें उसमें से बेस्ट का सिलेक्शन करना है। एंड व्हेन देयर इज अ सिलेक्शन देयर इज अ डिसीजन मेकिंग। भाई कल को तुम्हारी शादी वादी होगी, तुम्हारे लिए रिश्ते विश्ते आएंगे, मम्मी फोटो दिखाएगी तुम्हें खूब सारी, तो यू विल हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट वन ना। आपको उसमें से एक बेस्ट का सिलेक्शन करना है। तुम्हारे घर वालों ने प्लानिंग कर लिया है कि अब तो हाथ पीले करने करने अपने बच्चे के, तो उसके लिए उन्होंने करी एक प्लानिंग और आपको काम दिया कि भैया हमारी प्लानिंग को पूरा करने के लिए डिसीजन लो कि कैसे और किससे करनी है, ठीक है। सो प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग होती है। इट इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ ईच अल्टरनेटिव एंड चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, भाई चेक करते हैं कि हर किसी के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हम लोग भी चेक करेंगे, फिर उसमें से जो भी हमारा बेस्ट होगा उसको सिलेक्ट कर देंगे। तो जहां सिलेक्शन है वहां डिसीजन मेकिंग है। कंटिन्यूस प्रोसेस। भाई प्लानिंग कभी खत्म नहीं होने वाली है। आज अभी के लिए प्लान कर रहे हो, ठीक है, अभी क्लास 12th के लिए प्लान कर रहे हो, फिर कल को करियर के लिए प्लान करोगे, फिर अपनी फैमिली प्लान करोगे,
तो प्लानिंग हर टाइम पे चलती है, फिर बुढ़ापे के लिए भी तो प्लानिंग करनी है ना. सो प्लानिंग कभी भी खत्म नहीं होती है. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, एक साल के लिए हमने प्लान किया, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए फिर प्लान करेंगे. मैंने आपको बोला ना कि हमें अपने कस्टमर के बेस को 20% से इंक्रीज करना है. जैसे ही वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये वाला प्लान, हम एक नेक्स्ट प्लान बनाएंगे कि कस्टमर तो आ चुके हैं, अब उन्हें रिटेन कैसे करना है अपने पास, ऐसा ना हो कि वो छोड़कर चले जाए, तो उसके लिए भी हमारी प्लानिंग चलेगी. तो प्लानिंग तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, कभी नहीं खत्म होने वाला. इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज. अब भाई एक पगला, एक ल्यूनेटिक पर्सन, एक टॉक्सिकेटेड पर्सन, ठीक है ना, ये लोग तो नहीं प्लानिंग कर सकते ना. हमें यहाँ पर एक प्लानिंग, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, यानी कि दिमाग का काम है ये. जब आप प्लान करते हो ना तो आपको दूर तक सोचना होता है, तो आपकी इमेजिनेटिव पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, साउंड जजमेंट होना चाहिए आपका. क्यों? क्योंकि भाई आपको डिसीजन लेना है, आप यहाँ पे डिसीजन लेने वाले हो, फोर साइटेडनेस होनी चाहिए भाई, क्योंकि आप दूरदर्शिता, यानी कि आप दूर तक सोच सकते हो कि आज आप ये काम करने जा रहे हो, आज आप एक प्लान बना रहे हो आपने, कल को जब वो अचीव होगा तो व्हाट विल बी द आउटकम्स और द कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. तो आपको इन सब चीजों के बारे में ना आज ही सोचना है. सो प्लानिंग के अंदर आपके दिमाग का इस्तेमाल होता है. तो यहाँ पे इसलिए कहा गया कि प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, जहां पर आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, इमेजिनेटिव होना पड़ेगा, आपको साउंड जजमेंट्स के साथ डील करना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, जहां पर हमने 7 फीचर्स पढ़े कि प्लानिंग हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में फोकस करता है. ये पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये फ्यूचर के बारे में हमें बताता है. तो फ्यूचरिस्टिक है, हर लेवल पर हमें प्लानिंग चाहिए. इसके अंदर हमें कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, सिलेक्शन करना होता है. ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होगी प्लानिंग. और ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, जहां पर हम अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं. इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ अ माइंड. ठीक है, सो आई होप आपको फीचर्स बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे. सो आज की क्लास को करते हैं यहीं खत्म. तो यहां तक पहले प्रिपेयर कर लीजिए. सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.